नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल कुलकर्णी और आपका मेरे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंडरिंग प्रोसेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि टेंडरिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कौन कौन से टाइप के टेंडर्स है, आज हम देखेंगे टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, टेंडरिंग कैसे होता है। टेंडरिंग प्रोसेस में कैसे है, पहले दो इन्वॉल्व्स रहते हैं, एक टेक्निकल, सेकंड फाइनेंशियल, या फिर टेक्निकल बिड या फाइनेंशियल बिड बोल सकते हैं हम। इसमें पहले टेक्निकल में कैसा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उसमें हम लोग टेंडर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो क्वालिफाई होता है कि नहीं, टेक्निकल के एंगल से भी और फाइनेंशियल एंगल से भी, फाइनेंशियल क्राइटेरिया। फाइनेंशियल क्राइटेरिया के बाद टेंडर फॉर्म्स रहता है। टेंडर फॉर्म्स कैसे, कुछ शेड्यूल्स रहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, वो शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद इंडिमेंट्री बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है, फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर ईएमडी या फिर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वो भी देना पड़ता है। इसके बाद है फाइनेंशियल बिड, दूसरा पार्ट। फाइनेंशियल बिड में क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटीज है और प्राइस बिड है, वो फिल करके सबमिट करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। अभी हम देखेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, एग्जैक्टली टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या पार्ट आता है। तो सबसे पहले आता है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कंडीशन में जो भी फाइनेंशियल टर्म्स मेंशन किए रहते हैं, कुछ एडवांस वगैरह, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, वो सब मेंशन किया रहता है। उसके बाद है स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कंडीशन में कुछ अलग से कुछ कंडीशन रहेगा उसका मेंशन किया रहता है। उसके बाद है टेंडर ड्राइंग्स, फिर टेंडर स्पेसिफिकेशंस, फिर सॉयल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फिर बोर लॉग रिपोर्ट। वो उसके बाद है अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है कुछ है तो एरिया स्टेटमेंट रहता है, और अगर रोड वगैरह प्रोजेक्ट है तो ग्राउंड लेवल्स, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स रहता है। और उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटीज, वो लास्ट में फाइनेंशियल पार्ट, बिड का पार्ट रहता है। अभी टेंडरिंग प्रोसेस में सबसे पहले अपने को टेंडर आया वगैरह कैसे आया, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट बोले एनआईटी फ्लोट करता है। अभी एनआईटी क्या है, एनआईटी मतलब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स। अभी एनआईटी में क्या क्या रहता है हम देखेंगे। पहले ब्रीफ प्रोजेक्ट पर्टिकुलर्स, मुझे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट क्या है डिटेल्स, उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसके बाद पीरियड ऑफ कंप्लीशन, फिर इसके बाद ईएमडी कितने अमाउंट है क्या है, उसके बाद टेंडर फीस, टेंडर फीस के बाद डेट ऑफ सबमिशन, टेंडर कब सबमिट करना है, उसके बाद डेट ओपनिंग ऑफ टेक्निकल ओपनिंग, मतलब डेट ऑफ ओपनिंग जो टेक्निकल बिड ओपन होता है उसका डेट, फिर बिड वैलिडिटी, वो बिड कितना दिन के लिए वैलिड है, फिर प्री बिड मीटिंग अगर है तो उसका डेट कब प्री बिड मीटिंग है, कौन से प्लेस पे है, वेन्यू, फिर ब्रीफ रिक्वायरमेंट ऑफ टेंडर, मतलब टेंडर में डिटेल कभी कभी कुछ ज़्यादा डिटेल्स भी दिया रहता है, कंडीशंस वगैरह टेक्निकल भी रहता है एज वेल एज फाइनेंशियल और अपना कमर्शियल भी रहता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी डिटेल मेंशन किया रहता है टेक्निकल और फाइनेंशियली, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई होंगे उसके हिसाब से। और उसके बाद कभी कभी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, ऐसे अलग अलग टाइप के क्लास है, उसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उसमें क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेंडरिंग का एक फ्लो चार्ट है, कैसे टेंडरिंग होता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले एनआईटी हमने देख लिया। एनआईटी आने के बाद क्या होता है, सबसे पहले वो कौन सा लोकेशन है वो देखने के लिए हम लोग साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट में क्या है, साइट विजिट में हम लोग जाके वो लोकेशन देख के आते हैं, उधर का अप्रोच कैसा है, क्या है, वो सब देख के आते हैं। उसके बाद है प्रीबिड क्वेरीज। प्रीबिड क्वेरीज में क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो वो पूछने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, वो उनको सबमिट करते हैं, और प्रीबिड क्वेरी हम अटेंड करके अपने जो भी डाउट्स हैं उनसे डिस्कस करके उनसे जवाब या फिर रिटर्न रिप्लाई ले लेते हैं। उसके बाद है टेंडर का डिटेल वर्किंग। प्रीबिड का क्वेरीज, प्रीबिड मीटिंग होने के बाद में हम लोग ऐसा है परचेज डिपार्टमेंट से बेसिक मटेरियल्स का रेट मंगवाते हैं, उसके बाद अपने ब्रॉट आउट आइटम्स के लिए इंक्वायरी फ्लोट करते हैं, उसका रेट मंगाते हैं, फिर टेंडर्स का डिटेल रेट एनालिसिस करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स वगैरह वो निकालते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉफिट इंश्योरेंस वो सब ऐड करके टोटल टॉप शीट बनाते हैं, टैक्सेशन सब ऐड करके टॉप शीट बना करके मार्जिन रखते हैं, कंसिडर करके मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, वो मार्जिन के हिसाब से एक फाइनल अमाउंट निकालते हैं। उसके बाद वो टेंडर सबमिट करते हैं। टेंडर सबमिट करने के बाद जब टेंडर ओपन होता है, पहले टेक्निकल ओपन होता है, फिर टेक्निकल क्लियर होने के बाद फाइनेंशियल ओपन होता है, फिर फाइनेंशियल ओपन होने के बाद अगर हम लोग L1 है,
तो फिर अलाउन होने के बाद हम लोग क्लाइंट से मिल करके वो वर्क ऑर्डर के लिए फॉलो करते हैं। अब एक बार हमको वर्क ऑर्डर मिल गया तो अपना ऑलमोस्ट टेंडर डिपार्टमेंट का रोल इधर लिमिट हो जाता है। फिर हम लोग वो वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को दे देते हैं। दोस्तों और एक बार मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने CEIT के लिए क्वांटिटी सर्विंग का वीडियो कोर्स किया है, उसका परचेस लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें पूरा क्वांटिटी सर्विंग का बेसिक से कंसेप्ट तक कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट कन्वर्जन, रेट एनालिसिस, थंब रूल्स एट्सेट्रा, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप परचेस लिंक में जा कर के वो परचेस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि टेंडर प्रोसेस हमने देख लिया कि वर्क ऑर्डर होने के बाद हम एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को जो भी डाटा है वो शेयर करते हैं। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद अगर उनको फिर एग्जीक्यूशन के दरमियान कुछ उनको डाउट है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके डाउट्स दूर करते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम गवर्नमेंट टेंडर्स करते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं अभी इधर आपके साथ शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, ग्राम पंचायत है, फिर नगर पालिका है, फिर महानगर पालिका है, फिर जिला परिषद है, फिर PWD है वो स्टेट का है, फिर CPWD है, फिर म्हाडा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, फिर MJP है ये भी वाटर पाइपलाइन के लिए जीवन प्राधिकरण का, फिर सिडको है, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, फिर MSRDC है, फिर रेलवे के स्टैंडर्स आते हैं, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी है, फिर MSEB है, पोर्ट ट्रस्ट है, DRDO है, BHEL है, BHEL है, और इसके बाद ONGC है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जो इंडिविजुअली अपने अपने हिसाब से टेंडर फ्लोट करते रहते हैं। या अभी बाद में MMRCL है, मेट्रो का भी है, अभी जो चालू है उनका भी अलग से डिपार्टमेंट है। तो ये सारे गवर्नमेंट का अपने डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के टेंडर फ्लोट करते रहते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी सबका टेंडर अभी ऑनलाइन है, इसलिए सबका टेंडर अभी ई टेंडरिंग में ही होता है, अभी हैंड रिटन टेंडर नहीं है। तो ई टेंडरिंग ही ये लोग ज़्यादातर करते हैं। मेनली ये ऑनलाइन और ई टेंडर होने की वजह से पेपर वर्क बहुत बच जाता है और अभी थोड़ा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल हमेशा देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।